न्यूज 27 राजस्थान। पाली जिले के सोजत कस्बे में स्थानीय पूर्णेश्वर धाम पर पूरनदास जी महाराज का अष्टम वार्षिक उत्सव एवं ध्वजारोहण श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर देश के कोने कोने से घांची समाज के श्रद्धालुओं ने पूर्णेश्वर धाम पर मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व मंगलवार देर रात तक ख्यातनाम कलाकारों द्वारा भजनों की सरस सलीला प्रवाहित की गई तथा एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुतियां दी गई, जिसका श्रद्धालुओं ने देर रात तक आनंद लिया। वहीं बुधवार प्रातः गुरुदेव का अभिषेक के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। प्रातः गणपतलाल पुत्र मिठालाल राठौड़ परिवार ने ध्वजारोहण कर लाभ प्राप्त किया। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ आदि अनुष्ठान संपन्न हुए। इसके बाद लोक गायक ललित लहरिया एंड पार्टी द्वारा आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके अतिथियों एवं भामाशाहों का बहुमान किया गया। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व पालिकाध्यक्ष मोहनलाल टांक, पूर्व उप जिला प्रमुख भीखाराम सीरवी, पूर्व प्रधान राजेश सिंह कछछवाह, अखिल भारतीय घांची महासभा पूर्णेश्वर धाम के अध्यक्ष प्रफुल्लचंद बोराना, उपाध्यक्ष मदन लाल पवार, महासचिव बाबूलाल पनवार, कोषाध्यक्ष नीनाराम निकुम, सह कोषाध्यक्ष जीवराज परिहार, व्यवस्था सचिव हरिकिशन राठौर, जेठाराम परिहार, प्रकाश चंद्र गहलोत, रामचंद्र पवार, भानाराम राठौर, गणपत लाल पनवार, नरपत सोलंकी, राकेश पवार, वचनाराम भाटी, खत्ताराम भाटी, कालूराम बोराना, घीसाराम सोलंकी, गोपालराम बोराना, चंपालाल राठौर, सोहनलाल राठौर, भानाराम भाटी, घीसाराम सोलंकी, धन्नाराम निकुम, मीठालाल बोराना, दौलाराम भाटी, रामलाल भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे।